यूपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह ने इंडिया 24/7 से खास बातचीत की है। दारा सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की जांच कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हुआ है, हम भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, अवैध खनन करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपके पास वन पर्यावरण एवं जंतु विभाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है ये उत्तर प्रदेश का। हमारे पास खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री के सामने आपको प्रेजेंटेशन देना है, डिपार्टमेंट को ठीक करना है, तो क्या अभी तक आपकी प्लानिंग है? हमने जो बनाया है, एक तो हमने परसों समीक्षा बैठक किया था पूरे डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, और उसे मैंने जो कहा है कि सबसे पहला जो काम हमारा है इस प्रदेश को हरा भरा बनाना है, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है। तो हरा भरा बनाने के लिए जो अब तक की सरकारों में जो अवैध कटान हो रहे थे, तो हमने अवैध कटान रोकने के लिए सारे अधिकारियों को बता दिया है कि अगर अवैध कटान कटेगा, अवैध कटान होगा, तो निश्चित रूप से चाहे जो भी अधिकारी होगा वो नपेंगे, उसको कोई छोड़ा नहीं जाएगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। हमने अपने विभाग की समीक्षा बैठक में इसका जो अब तक का जो स्टेटस रिपोर्ट हमने मांग लिया है, और मैंने कहा उसको रिपोर्ट हमको दीजिए कि कहाँ कहाँ आपने क्या लगाया है, कितने पौधे किस जिले में, कितने हेक्टेयर में कितना क्या हुआ है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो। इसलिए उसका भौतिक परीक्षण करने के बाद अगर उसमें कहीं कमियां रह गई हैं, अगर ये कमी रह गई, तो निश्चित रूप से ऐसे संबंधित अधिकारी जिन्होंने इस तरीके का जो झूठा वो प्रशस्त पत्र हासिल किया है, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए, यूपी के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का फंडा पूरी तरह से क्लियर है। उनका कहना है कि यूपी में करप्शन को लेकर 0% टॉलरेंस है। बड़ी खबर दारा सिंह चौहान ने यह भी दी है कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान चलाया था, उसकी भी वो कहीं ना कहीं समीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन शिव शंकर के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7।